आनंद उत्सव में बीजेपी विधायक ने ऑटोमेटिक चाक में बनाए मिट्टी के बर्तन, विधायक ने मिट्टी के बर्तन बनाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। साथ ही इससे कार्य कुशलता बढ़ने के साथ अधिक संख्या में बर्तन बनाए जा सकेंगे। आपको बता दें कि रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित आनंद उत्सव कार्यक्रम का आज अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां मनगवां विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक पंचूलाल प्रजापति ऑटोमेटिक चाक में मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए, जिसे देखकर वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारी भी दंग रह गए। बताया जा रहा है कि आनंद उत्सव कार्यक्रम में मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को बुलाया गया था। इस बीच ऑटोमेटिक चाक देखते ही बीजेपी विधायक स्वयं मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करने लगे। दरअसल जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आनंद उत्सव मनाए जा रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे कार्यों में भागीदारी निभाकर कई लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा ही आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर रीवा में किया गया, जहां मनगवां विधानसभा क्षेत्र के 85 मिट्टी के बर्तन बनाने वाले परंपरागत शिल्पियों को बिजली से चलने वाली ऑटोमेटिक चाक से मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस बीच वहां मौजूद बीजेपी विधायक ने भी अपनी कला दिखाई और मिट्टी के बर्तन खुद ही बनाने लगे। जानकारी के मुताबिक आनंद उत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मनगवां पंचूलाल प्रजापति शामिल हुए थे, और कार्यक्रम के दौरान ही ऑटोमेटिक चाक को देखकर विधायक के मन में भी मिट्टी के बर्तन बनाने की इच्छा जागृत हुई, जिसके बाद उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ मिट्टी के दीपक तथा अन्य बर्तन बनाए। विधायक की इस कला को देखकर वहां पर मौजूद तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने विधायक मनगवां की इस कला की सराहना की और माटी कला के शिल्पकारों का भी उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन दिनों पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके तहत विधायक मनगवां डॉक्टर पंचूलाल प्रजापति ने विधायक निधि से 1,64,000 रुपये का अनुदान भी दिया है, जिसमें प्रत्येक माटी कला के शिल्पी को 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा जिले के 85 गाँव में चुने हुए माटी के बर्तन बनाने वालों को प्रशिक्षण देकर बिजली से चलने वाला चाक भी दिया जा रहा है। इससे इनकी कार्यकुशलता बढ़ने के साथ साथ अधिक संख्या में बर्तन निर्माण कर अतिरिक्त आय प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इन शिल्पियों को जिला खनिज मद तथा माटी कला बोर्ड के सहयोग से बिजली से चलने वाले चाक प्रदान किए जा रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक।